गुड मॉर्निंग टू ऑल। वेट कर लेते हैं कुछ एक दो मिनट, देखते हैं कुछ लोग आते हैं कि नहीं। वैसे आईओटी का जो रिव्यू था कंप्लीट हो गया, लगभग तीन चार लोग बचे हुए हैं। तो आनंद रिक्वेस्ट किया था, उसका कुछ लैपटॉप का प्रॉब्लम है, तो उसका बाद में मैं चेक करूंगा, और लोगों का बाद में चेक करूंगा, दो तीन लोगों का। आज कुछ डिस्कस करेंगे, मतलब कि आईओटी तो ऑलमोस्ट कम्प्लीट है, तो अगर कुछ उसमें प्रॉब्लम होगा तो कुछ शेयर कीजिएगा। और कुछ बेसिक्स मैथमेटिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि आपको मतलब कि कोई भी कंपनी वंपनी में बैठते हो ना, तो वहाँ भी जनरली क्वेश्चन कसता है, और वही सब डिस्कस करते हुए क्लास को प्रोसीड करेंगे। वेट कर लेता हूँ कुछ लोग आते हैं कि नहीं, उसके बाद क्लास स्टार्ट करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं जी। देखिए आईओटी का ऑलमोस्ट सिलेबस कंप्लीट है, ठीक है। तो जहां जहां कुछ भी डाउट है, मतलब कि कुछ अगर टॉपिक है तो उसको पोस्ट कीजिएगा, तो उससे रिलेटेड हम कंटेंट फाइंड आउट करके उसको एक्सप्लेन कर देंगे और वो शेयर भी कर देंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट है क्या कि क्लास तो कंटिन्यू रखना है, तो मतलब कि कुछ कुछ इंटरेस्टिंग चीज, मतलब कि मैथमेटिक्स से रिलेटेड या कोई भी सब्जेक्ट से रिलेटेड कुछ एमसीक्यू टाइप का, या मतलब कि जो कि आपको मतलब कि प्लेसमेंट में भी हेल्प करेगा, जनरली एप्टीट्यूड टाइप का, और ये अगर कोई चीज का प्रिपरेशन कर रहे हैं कंपटीशन एग्जाम का, वहाँ भी आप लोग को जनरली क्वेश्चन आस्क करता है इससे। जैसे कि आप लोग क्लास ट्वेल्थ में भी लिमिट पढ़े होंगे, बीटेक में भी लिमिट पढ़े होंगे, और आप लोग देखते होंगे हर जगह लिमिट का इम्पोर्टेंस बहुत ज्यादा आता है, मतलब कि लिमिट टेंस टू रहता ही रहता है, तो लिमिट से क्वेश्चन कुछ ना कुछ हमेशा आपको देगा ही देगा। जैसे कि
मिनट स्क्रीन शेयर करता हूँ। देखें लिमिट से क्वेश्चन है, मतलब कि फॉर्म तो आप लोग पता ही होगा कि एक जीरो बाय जीरो अनडिफाइन है, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी अनडिफाइन है, एक और फॉर्म है जहां पर हम लोग कहते हैं कि वन बाय वन टू पावर इन्फिनिटी। तो जीरो बाय जीरो ये इजी पड़ता है, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी इजी पड़ता है, क्योंकि एल हॉस्पिटल रूल हम लोग अप्लीकेबल करते हैं और वहां से हम लोग ये फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर क्यों भी कॉम्प्लेक्स भी है, लिमिट है, तो वहां से हम लोग को इजी फाइंड आउट करता है। लेकिन कंपटीशन एग्जाम में आप जनरली आप देखेंगे कि वन टू पावर इन्फिनिटी का फॉर्म जनरली क्वेश्चन आस्क करता है। तो जैसे कि बेसिक्स आप लोग को पता होगा, आप लोग जवाब दीजिएगा, वन बाय वन प्लस एक्स, वन बाय एक्स, एक्स टेंस टू जीरो लिमिट, इसका वैल्यू क्या होता है, कोई बताइए। कोई अगर क्लास में है तो बताइए, अगर क्लास में नहीं है तो भी बोलिए। हेलो हेलो, कोई नहीं है क्लास में। हाँ रूबी बताओ, वन प्लस एक्स टू पावर वन बाई एक्स, एक्स टेंस टू जीरो, इसका लिमिट क्या होगा। हैंड राइटिंग खराब है तो फिर से मैं लिख देता हूँ, अगर पता नहीं चल रहा है तो, एक्स टेंस टू जीरो वन प्लस एक्स वन बाई एक्स, ये सारा चीज अनडिफाइंड में आ रहा है, लेकिन लिमिट की बात करते हैं तो इसका क्या होगा। जैसे कि हम लोग साइन थीटा बाय थीटा लिमिट थीटा टेंस टू जीरो, ये वन बोलते हैं ना जी, वन होता है ना लिमिट टेंस टू जब करते हैं, तो इसका लिमिट क्या पढ़े हैं आप लोग, ट्वेल्थ में पढ़े होंगे आप लोग, बताइए सर। वन होगा। हेलो, हाँ वन होगा। यस सर, लॉगरिथमिक फंक्शन यूज करके सर। आनंद, यस सर, वन कैसे होगा बाबू, वन टू पावर इन्फिनिटी आ रहा है ना सर, वहां पर ना जो लॉग लगा लेंगे दोनों साइड, उसके बाद उसका लिमिट पुट कर देंगे या फिर लॉग को एक्सपोनेंशियल से। हाँ तो फिर क्या होगा बताओ सर। तो यहाँ है वन प्लस, गलत बता रहे हो सर, वन प्लस एक्स टू दी पावर एक्स वाई है ना सर, फर्स्ट केस। हाँ हाँ तो उसमें सर बता रहे हैं। नहीं जी, इसका लिमिट ई होगा, ये इसका लिमिट सर। हाँ आप देखो कैसे होगा, आप कैसे होगा देखिए, मान लीजिए कि y इज इक्वल टू तुम्हारा ही मेथड से 1 बाय x, 1 बाय x लिमिट x टेंड्स टू 0, तो आप log लीजिए बोथ साइड, log y 1 बाय x log 1 प्लस x और ये लिमिट x टेंड्स टू 0। जब इसको टेलर सीरीज से एक्सपेंड करोगे तो x समथिंग समथिंग आएगा, ठीक है, और जब x डिवाइडेड करोगे फर्स्ट केस को आंसर बता रहा है तो 1 आ जाएगा, तो y इक्वल टू e आंसर आएगा, ठीक है। ये 12th में बेसिक्स फंडा है, जैसे sin थीटा बाय थीटा, उसी तरह ये 1 प्लस x 1 बाय x इक्वल टू e होता है। तो बोलिएगा सर इसमें इंपॉर्टेंस क्या है, ये अगर डायरेक्ट रहा तब तो कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, लेकिन जब इनडायरेक्ट रहा तब इंपॉर्टेंस है। जैसे कि मैं एक क्वेश्चन देता हूं, वन प्लस साइन एक्स और कॉस एक्स, ठीक है, और लिमिट लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो, अब बताइए इसका क्या वैल्यू होगा सर। ई होगा, ई भी होगा, ई होगा, ठीक है। अभिषेक बोला ई, और कौन, कोई भी बताइए। ई ही होगा एक्सपोनेंशियल। चलो आनंद भी ई बोला, शिवांगी सर ई ही होगा,
ई होगा, ई कैसे होगा, कॉसेक को 1 बाय साइन एक्स में लिख सकते हैं सर, उसको कॉसेक टू द पावर 1 बाय, ठीक है। तो यहाँ पर भी जैसे कि आपका 1 प्लस साइन एक्स आप 0 पुट करोगे तो 1 टू पावर इंफिनिटी के फॉर्म में आ रहा है, तो आप लोग बोले ई होगा, ठीक है। अब है, अब एक और प्रॉब्लम है, 1 प्लस एक्स प्लस 2x² और 1/x और लिमिट एक्स टेंस टू 0। अब इसका बताइए क्या होगा, बताइए इसका क्या होगा। हो पाएगा, एक इसका बताना है और एक इसका बताना है, 1 प्लस 2x 1/3x लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, इसका भी बताइए क्या होगा। और मैंने इस तरह का कॉम्प्लिकेटेड आएगा तो थर्ड नंबर क्वेश्चन है, मैं बता दूंगा इसका ट्रिक है, एक्स प्लस माइनस टू टू पावर एक्स लिमिट एक्स टेंस टू इंफिनिटी, ये भी 1 टू पावर इंफिनिटी के फॉर्म में आ रहा है। देखिए इस तरह का जो भी प्रॉब्लम रहेगा, जहां कि आपको देखना है कि 1 टू पावर इंफिनिटी के फॉर्म में आ गया, सिंपली कुछ नहीं करना है, सिंपली ई लेना है, ई लेना है, e टू पावर आपका जो 1/x है वो रहेगा और जो बेस है वो मल्टीप्लाई 1 प्लस x प्लस 2x² और सब्ट्रैक्ट बाय -1, ये कर दीजिए और लिमिट x टेंड्स टू पुट कर दीजिए 0, आपको जो भी वैल्यू आएगा वो होगा। यहाँ पर भी देखिए आप x कॉमन लेंगे तो उसके बाद e आ जाएगा। अब यहाँ पर आ जाओ आप इस वाले क्वेश्चन में, तो यहाँ पर e टू पावर 1/3x और 1 प्लस 2x माइनस 1 और लिमिट एक्स टेंस टू 0, जो भी है 0 या इन्फिनिटी तो इन्फिनिटी, -1 कैंसिल आउट, एक्सेस कैंसिल आउट, 2/3 ई टू पावर 2/3। अब दम यहाँ पर आ जाइए आप, यहाँ भी ई टू पावर एक्स जो है और x-1 x-2 -1 और लिमिट क्या है एक्स टेंस टू इन्फिनिटी। अब क्या होगा यहाँ पे, e टू पावर एक्स एक्स माइनस वन माइनस एक्स प्लस टू, क्योंकि -1 था x-2, अब क्या होगा -x कैंसिल आउट हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा, तो आपका आ जाएगा e टू पावर एक्स बाय x-2 और लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी। अब x से डिवाइडेड कीजिए बोथ पावर में, तो क्या हो जाएगा e टू पावर 1/1 -2x और एक्स टेंस टू इन्फिनिटी, ये 0 हो जाएगा, तो इसका आंसर फिर इसका ई आ जाएगा। तो जो भी है इस तरह का कॉम्प्लिकेटेड रहेगा तो आपको मतलब कि सिंपल फंडा है इसको, मतलब कि जो भी बेस है ई रखना है, जो पावर है उसको पावर पावर बेस जो है बेस -1
और जो वॉट एवर लिमिट है वो एक्सटेंड टू जो है पुट करके आपको आंसर बताना है, तो वही चीज आएगा जो आपका है। ऐसा नहीं कि बहुत जगह बहुत लोग ट्वेल्थ में हम लोग जो पढ़ते होंगे आप लोग को बताया होगा 2x 1/3x, आपको इस फॉर्म में करना है, लोगों को बताया जाता है कि इस फॉर्म में करना है, मतलब कि 2x ऊपर में लाना है, तो क्या करते हैं लोग 2x 1/2x और यहाँ 3 था तो 2x से मल्टीप्लाई कर 2x ऊपर गया और यहाँ पर 3 था यहाँ 3 रहेगा और इस तरह करके 2/3 करते कैंसिल करते, तो उतना करने के जगह पर आप डायरेक्ट ऐसे कर सकते हो और इजिली फाइंड आउट कर सकते हो। जैसे कि एक एग्जांपल है और है 1+x² बात मतलब x² + 3xq रहा और x 1/x x = 0, तो यहाँ पर आप देखोगे तो आपको जो अरेंजमेंट है वो करने में मुश्किल हो रहा है, लेकिन e^(1/x) और 1+x² + 3x² (x³-1) कर रहे हैं आप तो x → 0, तो x कॉमन आने के बाद भी x रह रहा है, तो x 0 e^0 1, तो यहाँ पर ये 1 आ रहा है, तो आपको अरेंजमेंट करके आपको देखना पड़ेगा। ये जनरली कंपटीशन एग्जाम में 1 मार्क्स का क्वेश्चन है ना, जहां भी एमसीक्यू की कोई भी जहां मैथमेटिक्स है, अभी कंपटीशन आप एग्जाम दोगे इवन आप कोई भी कंपनी के लिए बैठ रहे हो तो 12th लेवल का जो मैथमेटिक्स है आपको चेक करेगा, 12th लेवल का 10th लेवल का जो एप्टीट्यूड जो बनता है आपका 10th लेवल से बनता है, तो 10th लेवल का जो मैथमेटिक्स हम लोग पढ़े थे तो उससे आप लोग का एप्टीट्यूड बनेगा और ये 12th लेवल का भी बेसिक कुछ ना कुछ आपको रहेगा ही, तो ये सब है। तो और जैसे कि कुछ और बताना चाहता हूँ, ये कंसेप्ट क्लियर हुआ? Yes, sir. ठीक है। अब जैसे कि एक डिफरेंशिएशन से जनरली क्वेश्चन आता है आप लोग का कोई भी एग्जाम दोगे उसमें भी, तो एक उसका डायरेक्ट फॉर्मूला है, उसको यूज करेंगे तो याद रहेगा तो जल्दी हो जाएगा, नहीं तो अदरवाइज आप कर सकते हो, आप लोग पढ़े होंगे y = x^(x, x^(x, x^(x) up to infinity, then find out dot by dx, इसको कैसे करेंगे सर? y = x^(y) ही हो जाएगा, है ना? उसके बाद आप लॉग लेके फिर डिफरेंशिएशन करके आप फाइंड आउट कर सकते हो इजी वे से, ठीक है। और अब इसी तरह एक क्वेश्चन है, अगर कोई क्वेश्चन रहा मतलब कि y = √(x + √(x) + something, तो इसको कैसे करेंगे? इसको आप करने के लिए फिर वही करोगे y = √(x + y) y² + x + y, और उसके बाद आप डिफरेंशिएशन करोगे, लेकिन उतना करने के जगह पर कॉम्प्लिकेटेड है, तो एक मैं फॉर्मूला बता देता हूँ। फंक्शन मान लीजिए कि fx कोई है, ठीक है, +√(fx) है, +√(fx) है, तो इसका डायरेक्ट आप dy/dx लिख सकते हो, dy/dx = f(x), जो भी fx के जगह पर हो, sin x cos x tan x x² जो भी हो, fx upon 2y minus 1, आपने इजी वे से आप इसको फाइंड आउट कर सकते हो। आप इसी को देखो चेक करके, fx की जगह पर x है, इसको डिफरेंशिएट करोगे तो 1 होगा, 1/2y - 1 आएगा आंसर। तो उतना कैलकुलेशन नहीं करने के लिए, अगर ये फॉर्मूला आपको याद है, रिमेम्बर है, तो आप इजी वे से कुछ भी इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। अच्छा, आप लोग को तो मैक्सिमम मिनिमा भी आता होगा बहुत अच्छे तरीका से। तो एक क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन, अब बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है जी, वहां पर लेकिन लोगों को दिक्कत हो जाता है, एक मैं देता हूं। एक मिनट,
हाँ देखिए इस तरह का क्वेश्चन रहेगा, कंसीडर द मैक्सिमम फंक्शन, द फंक्शन fx इक्वल टू x स्क्वायर माइनस x माइनस 2, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ fx इन क्लोज इंटरवल माइनस 4 और 4 के बीच में आपको फाइंड आउट करना है। तो फंक्शन क्या था, एक fx इक्वल टू x स्क्वायर माइनस x माइनस 2, ठीक है, क्लोज इंटरवल माइनस 4 4 है, इसका मैक्सिमम वैल्यू बताइए, ये सब देखिए आपको तो जनरल जो फॉर्मूला है उससे कुछ हटके है, मतलब कि कुछ तो ट्विस्ट है, तब तो ये क्वेश्चन जनरली इस तरह का क्वेश्चन पूछते हैं लोग, इसका बताइए क्या हो सकता है। 18 होगा माइनस 4 पे, क्या थी 18 होगा माइनस 4 पॉइंट पे आएगा क्लोज इंटरवल में। हाँ तो ये 18 क्यों होगा जब, लेकिन फॉर्मूला से जब देखोगे तो वो तो नहीं आएगा, नहीं अगर क्लोज इंटरवल है तो माइनस 4 पे। हेलो, हाँ हाँ वही मैं कहना चाह रहा हूँ, जब आप फॉर्मूला पर जाओगे f डैश x इक्वल टू 2x माइनस 1 इक्वल टू 0 x इक्वल टू 1/2, ठीक है, जब ये x बाय 2 आया, अब आप डबल एस एक्स निकालो, एफ डबल एक्स निकालोगे तो क्या आ जाएगा, ये एफ डबल एस एक्स 2 आ जाएगा, तो मतलब कि फॉर ऑल वैल्यू यू आर गेटिंग द पॉजिटिव, फॉर ऑल वैल्यू यू आर गेटिंग द पॉजिटिव, इट मींस मतलब कि ये हमें ये इस वैल्यू पे जो वैल्यू
सर हेलो। सर साउंड नहीं आ रहा है। बोल रहा हूँ कुछ डाउट है तो पूछिए, अदरवाइज क्लास लेफ्ट कर सकते हैं। वो डिस्कनेक्ट हो गया था जी मेरा। शो कर रहा था, आवाज आ ही नहीं रहा था, इसीलिए हमने सोचा क्या हो गया। क्या क्या विषय? मतलब आपका नाम तो शो कर रहा था यहाँ पे दोनों ही डिवाइस का। हाँ वो डिस्कनेक्ट हो गया था, फिर से लॉगिन करना पड़ा हमें, कोई दिक्कत नहीं। एसेंचर का कब से है वो एग्जाम उग्जाम रिटर्न लेगा क्या पहले? हाँ अभी डेट नहीं आया है इसका। डेट नहीं आया। ऑफ कैंपस का भी ट्राई करते रहो, जैसे कि तुम लोग कुछ कुछ कोर्सेस किए हो ना, तो मतलब कि अपना सीवी है ना अपना सेंड करते रहो, अगर सॉफ्टवेयर फील्ड में इंटरेस्टेड हो तो। गवर्नमेंट के लिए हो तो फिर तो तैयारी करते रहना पड़ेगा। ठीक है तो